राम भैया चलिए। चलो भैया, ये रुखसार है। आदाब भाईजान। जीते रहो। चलिए भैया। नहीं, या खुदा खैर करना। यही कहीं होने चाहिए। चलो सनी, लगता है इन लोगों को पता चल गया। हिंदुस्तान की सरहद यहाँ से थोड़ी दूर है भाईजान। मैं अबू के साथ यहाँ पर कई बार आई हूँ। तुम रुखसार को लेकर यहाँ से निकलो, मैं इन लोगों को ठिकाने लगाता हूँ। नहीं भैया, हम दोनों ही ने ठिकाने लगाएंगे। ये जज्बाती होने का वक्त नहीं है सनी। तेरा शेर भाई अब आजाद है, ये तो चंद गीदड़ है। मैं पूरी की पूरी पाकिस्तानी फौज पर भारी पड़ूंगा। तुम निकलो यहाँ से। भैया मैं अपनी भाभी से वादा करके आया हूँ, आप मेरे वचन की लाज रखना। तू फिक्र मत कर, जाओ। कुछ लोग इधर जाओ। जल्दी करो। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा राम, मैं तेरी मौत बनकर आया हूं राम। अगर मैं चाहता तो तुझे जान से मार डालता, लेकिन तेरे मुंह से दो बार राम का नाम निकला है। तू मरता तो जन्नत में चला जाता, और उस पाक परवरदिगार ने तो तेरे लिए जहन्नुम में भी जगह नहीं बनाई है। तेरी सबसे बड़ी सजा यही है कि अब जब जब तू लंगड़ाएगा तुझे राम याद आएगा। चलो और मुझे हिंदुस्तान की सरहद का रास्ता बता। गुड नाइट। यस, अभी अभी खबर मिली है, एक आदमी सफेद झंडा लिए एलओसी की तरफ आ रहा है। बॉयज गेट अलर्ट। सर मेजर राम, मेजर राम, मेजर राम सर, डोंट शूट सर। बॉयज एट ईज, गो हेल्प हिम। सर कम मेजर राम। तुम्हें सही सलामत देकर हमें बहुत खुशी हो रही है मेजर राम। थैंक यू सर। सर क्या मेरा छोटा भाई और रुखसार यहां पहुंच चुके हैं? नहीं, यहां तो कोई नहीं आया। लेकिन सर उन्हें तो मुझसे पहले यहां पहुंच जाना चाहिए था। सर प्लीज आसपास के पॉइंट्स पे पता कीजिए सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग किसी और जगह पहुंच गए। सीमा पर होने वाली हर हरकत पर नजर है हमारी, यहां से 50 मील दूर तक किसी के आने की खबर नहीं है हमारे पास। ओह माय गॉड,
तब तो मुझे वापस जाना होगा सर। रुक जाओ मेजर राम, तुम वापस नहीं जा सकते। नहीं सर, मुझे जाना ही होगा सर। उन बच्चों ने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर मुझे उन जालिमों की गिरफ्त से आजाद कराया है सर। अगर मेरे जीते जी उन्हें कुछ हो गया तो मेरे जीने का कोई मकसद नहीं होगा। प्लीज सर। लो, तुम वापस नहीं जाओगे, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता। तुम्हें आर्मी के कानून के मुताबिक डीब्रीफिंग के लिए जाना होगा, क्योंकि आर्मी को जब तक ये यकीन ना हो जाए कि तुमने दुश्मन को कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं पहुंचाई या कोई रास्ता तो नहीं बताया। मैं अपनी जान दे सकता हूं सर, लेकिन अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मेरा भरोसा कीजिए सर, मुझे जाने दीजिए। नो, तुम कहीं नहीं जाओगे, अगर जाओगे तो सिर्फ डीब्रीफिंग के लिए। नहीं सर, आज मुझे मत रोकिए सर, आज मुझे जाने दीजिए। उन मासूम बच्चों के ऊपर दया कीजिए सर। बॉयज गेट इट। मेजर राम, मेजर राम रुक जाइए सर, मुझे जाने दीजिए मेजर राम। मेजर राम सर, मुझे जाने दीजिए सर। रुक जाइए मेजर राम सर, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए सर। सर एक बार मुझे उन दोनों को यहाँ पे ले आने दीजिए, इसके बाद आप मुझे फांसी लगा दीजिए, मुझे मंजूर है। मेजर राम को कैंप में ले आइए। लड़की, अपने नेक बाप के माथे पर बदनामी का दाग, मुल्क और कौम के साथ गद्दारी, ऐसी घिनौनी और सलील हरकत कैसे की तूने? कैसे भूल गई कि हम तुम जैसे गद्दारों को मौत से कम सजा नहीं देते? हम प्यार करने वाले मौत से नहीं डरते, और दिल मोहब्बत करने से पहले किसी की इजाजत नहीं लेता, क्योंकि मोहब्बत का जज्बा अल्लाह ने पैदा किया है, किसी इंसान ने नहीं। मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता, ना कोई सरहद होती है, ना कोई वतन। हम जानते हैं हम आपके नजरों में गुनहगार हैं, लेकिन यही गुना हमारे लिए इबादत है। मोहब्बत ने तुझे अंधा कर दिया है लड़की। दुश्मन मुल्क से आए हुए इस लड़के ने अपने मकसद के लिए धोखे से तुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया है। धोखे और फरेब से तो मेरे भाई को किडनैप किया था आपके लोगों ने। अगर ये मर्द होते तो मैदान जंग से लेकर आते मेरे भाई को। अरे एक बार उसे आजाद करके तो देखा होता, सारी मर्दान की पतलून के रास्ते बह निकलती। खामोश बदतमीज, अदब से बात कर। अदब से बात? अदब से बात अदब के लायक लोगों से की जाती है, तुम जैसे लोगों से नहीं। खामोश उस्ताद, जानता नहीं किसके हजूर में खड़ा है। मेरे एक ही इशारे पर तू हजारों मौत मर सकता है। मेरा मकसद मेरे शेर भाई राम को आजाद करवाना था, और मेरा मकसद पूरा हो गया। अब हजारों क्या, लाखों मौत मरना मेरे लिए फख्र की बात है। मरेगा तू, मरेगा, और तेरे साथ साथ तेरी महबूबा भी मरेगी। तभी आने वाली नस्लों को यह नसीहत होगी कि मुल्क और कौम के साथ गद्दारी करने का क्या अंजाम होता है। आने वाली नस्लें तंग दिलो दिमाग वाली नहीं, बल्कि रोशन दिमाग, नई सोच, नया जज्बा और मोहब्बत का पैगाम लेकर आएंगी। और फिर उनके सामने हैवानियत, नफरत घुटने टेक टेक कर दम तोड़ेगी, और फिर अल्लाह की इस खूबसूरत दुनिया में मोहब्बत करने वालों को खुली हवा में चैन की सांस लेना नसीब होगा। बकवास है, अमन, चैन, खुली हवा, मोहब्बत, जज्बा, ये सब बकवास है। हकीकत है तो सिर्फ हमारा फैसला, और हमारा फैसला है तुम दोनों गद्दारों की मौत। सुभान अल्लाह, जिसे आप मौत समझते हैं वो मौत नहीं, मौत पर मोहब्बत की फतेह है। माना कि ये दोनों मौत की सजा के हकदार हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस साजिश के पीछे इन दोनों का हाथ था? नहीं,
जिस शातिर दिमाग ने यह चाल चली है वो दिमाग इस लौंडे या लौंडिया का नहीं, दरअसल इस पूरी साजिश का सरपरस्त यह शख्स है जनाब, यह शख्स। तबरेज बेग, अपनी जुबान को लगाम दे। जितने साल तेरी उम्र नहीं है उससे ज्यादा साल हमने वतन परस्ती में गुजार दिए हैं। अगर फिर से तुमने हमारी वतन परस्ती पर इल्जाम लगाने की जरूरत की तो यही तेरी लाश गिरा दूंगा। ब्रिगेडियर खान, आपको अपनी सफाई में बोलने का मौका दिया जाएगा, अभी उन्हें बोलने दीजिए। याद होगा आपको जनाब, उस हिंदुस्तानी मेजर की मौजूदगी के मुतल्लिक खत पर इन्होंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। वो हिंदुस्तानी मेजर जिसकी कैद हमारे मकसद के लिए हमारी फतेह थी, उस मेजर राम को चोरी छिपे रिहा करवाकर ब्रिगेडियर खान ने हमारी फतेह को शिकस्त में तब्दील कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो उनकी बेटी के आशिक का बड़ा भाई है और उनका दिल पसीज गया। आखिर दिल तो एक बाप का ही है ना जनाब, मगर दिमाग शैतान का पाया है। तबरेज बेग, कितनी चालाकी से इन्होंने अपनी बेटी समेत उन दोनों भाइयों को हिंदुस्तानी सरहद तक का रास्ता दिखाया जनाब। वो तो ठीक वक्त पर हमें साजिश का पता चल गया और ये दोनों पकड़े गए, मगर अफसोस मेजर राम हमारे हाथ से निकल गया इनकी वजह से। अगर ये सच है ब्रिगेडियर, तो ये कहर आपकी जिंदगी के तमाम मंसूबों पर पड़ेगा। कैसा कहर, कैसे मंसूबे जनाब? इसने कहा और आपने मान लिया? हमारे सीने में एक बाप का दिल जरूर है, लेकिन हमारी रगों में वतन परस्ती का खून दौड़ता है। हम जानते हैं हमारी बेटी ने एक शर्मनाक गुनाह किया है, आपने तो उसे सिर्फ मौत की सजा दी है। अगर इससे भी बढ़कर कोई सजा होती तो हम उसे देते। आई एम प्राउड ऑफ यू अबू। जब बेटी नहीं थी हमारा वतन था, जब बेटी नहीं रहेगी तब भी हमारा वतन रहेगा। कोई भी रिश्ता, कोई भी जज्बा हमें हमारी वतन परस्ती और फर्ज से गुमराह नहीं कर सकता। ये तुम अच्छी तरह से जानते हो ब्रिगेडियर, कोई भी जज्बा हमें भी अपने फर्ज और रसूलों के रास्ते से नहीं भटका सकता। तुम्हें याद होगा अकील खान, हमारा छोटा भाई, हमारा खून, बहुत अजीज था हमें वो। जुल्म इस मासूम लड़की के साथ हुआ है हुजूर, इसकी इज्जत लूटी गई है और इज्जत लूटने वाला गुनहगार आपका छोटा भाई अकील है। ब्रिगेडियर साहब, अगर ये सच है तो कसम अल्लाह की हमारा इंसाफ आप हमेशा याद रखेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। तुम्हारी पेशानी पर चमकती हुई पसीने की बूंदें हमें बता रही हैं कि झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन। मुझसे गलती हो गई, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए भाईजान, मुझे माफ कर दीजिए भाईजान, मैं आपका छोटा भाई हूँ भाईजान। आप तो मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं।